दोस्तों आज इस वीडियो विच तुहानू दसांगे यूरिक एसिड बारे। ए साडे शरीर विच किस तरह वाधदा है अते इसदे की लक्षण हुंदे हन। इस तो इलावा घरेलू नुस्खे भी दसांगे जिस नाल ए समस्या बिल्कुल ठीक कीती जा सकती है। दोस्तों पहला यूरिक एसिड उम्र वधन दे नाल वाधदा सी, हुण गलत लाइफस्टाइल दे कारण ए छोटी उम्र विच भी वध रहा है। सब तो पहला तुहानू दसदे हां यूरिक एसिड हुंदा की है। दोस्तों यूरिक एसिड ए एक तरह दा वेस्ट प्रोडक्ट हुंदा है जो साडा खाना हजम होने तो बाद पेशाब राही शरीर तो बाहर निकल जाता है। पर जदों असी सही मात्रा विच पानी नहीं पींदे तां यूरिक एसिड वधन दे चांस ज्यादा हुंदे हन जिस नाल ए शरीर तो बाहर नहीं निकल पाउंदा अते ए अलग अलग जोड़ां विच जमना शुरू हो जाता है। इस तों इलावा इस तरह दीआं चीज़ां दा ज्यादा सेवन करना जिन्हां विच प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होवे तां इस नाल भी शरीर विच यूरिक एसिड की मात्रा वधन लगती है। ए प्यूरिन ज्यादातर नॉन वेज खाना पत्ता गोभी अते ड्राई फ्रूट्स विच ज्यादा हुंदा है। इस दे नाल नाल जे तुसी अल्कोहल दा सेवन ज्यादा करदे हो अते मोटापा वधिया होया है तां फिर भी यूरिक एसिड वधन लगदा है। जे तुहाडी किडनी सही तरह काम नहीं करदी जो विषैले तत्त हन उहनां नूं छाण के शरीर तों बाहर नहीं कढ़दी तां इस तरह भी यूरिक एसिड शरीर विच वधन लगदा है। हुण तुहानूं दसदे हां कि यूरिक एसिड वधन दे लक्षण कीहड़े-कीहड़े हन। यूरिक एसिड वधन नाल इह जोड़ां विच जमा होण लगदा है जिस नाल जोड़ां विच हल्का हल्का दर्द अते जकड़न रहण लगदी है अते उंगलां टेढ़ियां मेढ़ियां होण लगदियां हन क्योंकि इह छोटे जोड़ां ते सब तों पहला इफेक्ट करदा है। इस तों इलावा सवेरे उठदे ही हत्थां अते पैरां विच अकड़न जिही महसूस हुंदी है अते उंगलां सही तरां मुड़ नहीं पाउंदियां। जे हमेशा पैरां विच दर्द रहिंदा है तां इह वी यूरिक एसिड वधन दा लक्षण हुंदा है। चलो हुण तुहानूं दसदे हां ओह घरेलू नुस्खे जो यूरिक एसिड नूं घट करदे हन। इस तों पहलां जे तुसीं साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल सिहत पंजाब हैल्थ सबसक्राइब नहीं कीता तां कर लो। दोस्तों यूरिक एसिड वधन ते खीरे दा जूस पीओ क्योंकि खीरे दे जूस विच पोटैशियम अते फास्फोरस हुंदा है। इह तुहाडियां किडनियां नूं डिटॉक्स करन विच मदद करदा है अते यूरिक एसिड नूं घट करदा है। इस लई यूरिक एसिड वधन ते रोजाना एक गिलास खीरे दे जूस विच अजवाइन मिला के पियो तुहाडा यूरिक एसिड बहुत जल्द घट होवेगा। जे तुहानू यूरिक एसिड दे कारण गठिए दी समस्या हो गई है तां रोजाना सवेरे खाली पेट बाथू दे पत्तियां दा जूस बना के पियो। लगातार 15 दिन पीण नाल तुहाडी यूरिक एसिड अते गठिए दी समस्या ठीक हो जाएगी। इस तों इलावा रोजाना लस्सी जरूर पियो। इस दे लई एक गिलास लस्सी विच भुन्निया होया जीरा अते पुदीने दे पत्ते मिला के दोपहर दा खाना खाण तों बाद पियो। इस नाल तुहाडा खाना चंगी तरह हजम होवेगा अते खून विच मिलिया होया यूरिक एसिड तेजी नाल घट होवेगा। इस तों इलावा सेब दा सिरका पियो। सेब दा सिरका यूरिक एसिड लई बहुत ज्यादा फायदेमंद हुंदा है। इस विच एंटीऑक्सीडेंट अते एंटी इंफ्लामेटरी गुण भरपूर मात्रा विच हुंदे हन। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2-3 ਅਖਰੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।